नमस्कार दोस्तों, आरके इंग्लिश सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक फेमस एसेस्ट फ्रांसिस बेकन की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। मैं फ्रांसिस बेकन के बारे में छोटी से छोटी जानकारी आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रांसिस बेकन वॉज एन इंग्लिश फिलोसोफर, स्टेट्समैन एंड एसिस्ट ऑफ एलिजाबेथन एज। इस लाइन का मतलब है, फ्रांसिस बेकन एलिजाबेथन एज के फिलोसोफर, फिलोसोफर का मतलब होता है दोस्तों दर्शन शास्त्री, स्टेट्समैन, स्टेट्समैन का मतलब होता है राजनेता, और एसिस्ट, एसिस्ट का मतलब होता है निबंधकार। तो इसका मतलब है फ्रांसिस बेकन एलिजाबेथन एज के प्रसिद्ध, हम कह सकते हैं प्रसिद्ध दर्शनशास्त्री, राजनेता और निबंधकार थे। तो चलिए सबसे पहले इनकी अर्ली लाइफ और एजुकेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, फ्रांसिस बेकन का जन्म 22 जनवरी 1561 को यॉर्क हाउस स्ट्रैंड लंदन में हुआ था। ये यॉर्क हाउस स्ट्रैंड लंदन में एक जगह है, वहाँ पर हुआ था। और ये अपने 5 भाइयों में सबसे छोटे थे। इनके पिता का नाम सर निकोलस बेकन और इनकी माँ का नाम एन कुक बेकन था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि फ्रांसिस बेकन बचपन में थोड़े कमज़ोर थे, हेल्थ से थोड़े कमज़ोर थे, इसलिए उनकी जो शुरुआती शिक्षा थी वो घर पर ही हुई थी। और जब ये 12 साल के हो गए तब इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में प्रवेश लिया। ये प्रवेश इन्होंने लिया था 1573 में। ये डेट्स आप लोग लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांसिस बेकन यहाँ पर 3 साल रहे थे। कहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में फ्रांसिस बेकन अपने बड़े भाई एंथनी के साथ 3 साल रहे थे। और ऐसा कहा जाता है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही ये पहली बार क्वीन एलिजाबेथ से मिले थे। इनसे मिलकर क्वीन एलिजाबेथ बहुत प्रसन्न हो गई कि इतने छोटे बच्चे में इतनी बुद्धि। इनकी बुद्धिमत्ता को देखकर क्वीन एलिजाबेथ बहुत इम्प्रेस हुई और क्वीन एलिजाबेथ इनको द यंग लॉर्ड कीपर बुलाती थी। दोस्तों, क्योंकि फ्रांसिस बेकन के पिता भी लॉर्ड कीपर थे, इसलिए क्वीन एलिजाबेथ इनको यंग लॉर्ड कीपर कहकर पुकारती थी। आप इन पॉइंट्स को लिख लो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ किसको द यंग लॉर्ड कीपर कहती थी, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस बेकन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप लिख लो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने साइंस की स्टडी की। साइंस पढ़ने के बाद इनका नज़रिया बदल गया, अब इनको बैरिस्टर बनना था। और बैरिस्टर बनने के लिए इनको एक इनमें एडमिशन लेना पड़ेगा। दोस्तों, इनका मतलब होता है कोई धर्मशाला सराय, लेकिन यहाँ पर इनका मतलब आप ऐसे समझिए कोई पाठशाला जहाँ पर ये पढ़ने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 इन दिए हुए हैं जिनके नाम हैं ग्रेज इन, लिंकन्स इन, इनर टेम्पल एंड मिडिल टेम्पल। तो ऑन जून 27, 1576 में इन्होंने ग्रेज इन में प्रवेश ले लिया। और कुछ ही महीने बाद एक इंग्लिश एम्बेसडर सर एमएस पॉलिट के साथ ये विदेश चले गए थे। ये इनका नाम आप लिख लीजिए, याद रखना किसके साथ विदेश गए। लेकिन इनके पिता की अचानक मृत्यु फरवरी 1579 में हो गई, इस कारण इनको इंग्लैंड वापस आना पड़ा। दोस्तों, इनके पिता ये चाहते थे कि मैं अपने सबसे छोटे बेटे यानी फ्रांसिस बेकन को एक कुछ भूमि यानी बहुत सारी ज़मीन खरीद कर दे दूँ, जिससे कि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक रहे। लेकिन ऐसा करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई और फ्रांसिस बेकन के पास बहुत ही कम अमाउंट रह गया, बहुत ही कम संपत्ति रह गई। फिर इस कारण उन्हें दूसरों से कर्ज लेना पड़ता था और वो धीरे धीरे कर्ज के हैबिचुअल हो गए थे। चलिए अब इनके करियर के बारे में बात करते हैं। 1584 और 1586 में इन्होंने पार्लियामेंट में सीट ले ली और 1589 में इन्हें स्टार चैम्बर में क्लर्क की नौकरी मिल गई। जो ये क्लर्क की नौकरी एक उस समय एक बहुत ही अच्छी नौकरी थी। और इसी पीरियड के दौरान ये क्वीन एलिजाबेथ के फेवरेट
रॉबर्ट डेवरेक से मिले और इसके बाद इन 1591 ही बिकेम द अर्ल्स कॉन्फिडेंशियल एडवाइज़र। दोस्तों अर्ल्स जो है एक इंग्लैंड के सामंतों की एक विशिष्ट पदवी होती है, तो ये 1591 में इंग्लैंड के सामंतों के गुप्त रूप से एडवाइज़र बन गए। और इन 1596 ही बिकेम द क्वींस काउंसिल, और 1596 में क्वीन एलिजाबेथ के सलाहकार बन गए। और दोस्तों एक दो साल बाद इनको थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम फिर से आई और 1598 में इनको कर्ज के कारण गिरफ्तार भी किया गया था। इन पॉइंट्स को आप लिख लीजिए। लेकिन गिरफ्तारी के बावजूद भी दोस्तों इनकी पोजीशन क्वीन एलिजाबेथन की नज़रों में वैसी ही थी जैसी कि शुरू में थी, और इनकी वैल्यू और तब बढ़ गई जब इन्होंने अपना संबंध एक देशद्रोही एसेक्स से ख़त्म कर दिया था। दोस्तों ये एसेक्स एक देशद्रोही था जिसको 1601 में फांसी की सजा दी गई थी देशद्रोह के कारण। तो जब इन्होंने ऐसे देशद्रोही के साथ अपना संबंध ख़त्म कर दिया तो इनकी पोजीशन क्वीन एलिजाबेथन की नज़रों में और भी बढ़ गई। एक्चुअली दोस्तों हुआ क्या था, ये जो एसेक्स था ये इनका एक फॉर्मर फ्रेंड था, इनका शुभचिंतक था, लेकिन जब इस पर देशद्रोह का इल्ज़ाम लगा तो उसका चार्ज बेकन को ही दिया गया। इस केस को सॉल्व करने का चार्ज फ्रांसिस बेकन को दिया गया और बेकन ने पूरी ईमानदारी से अपनी इस जिम्मेदारी को निभाया और ईमानदारी से इस केस को सॉल्व किया और अपने ही दोस्त को दोषी साबित करवाया। तो दोस्तों इस घटना के लिए पोप ने इनको कहा था द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, इसको आप लिख लीजिए। इसी घटना के लिए पोप ने इनको क्या कहा था, द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। इसके बाद दोस्तों 1603 में क्वीन एलिजाबेथन की डेथ हो गई। फिर जेम्स फर्स्ट वहाँ का राजा बना इंग्लैंड का, तो उसके राजा बनने के बाद बेकन को नाइटेड की उपाधि दी गई। ये दोस्तों नाइटेड की उपाधि एक्चुअली ब्रिटिश किंग और क्वीन ऐसे इंसानों को देते थे जो अपने देश के लिए बहुत ही अच्छे कार्य करते थे, अपने देश के लिए कुछ भी अचीव करते थे बहुत अच्छा, उनको ये उपाधि दी जाती थी। और हम ये भी कह सकते हैं अ मैन हु हैज़ बीन गिवन अ नाइटहुड कैन पुट सर इन फ्रंट ऑफ हिज नेम इंस्टेड ऑफ मिस्टर। और दोस्तों 1606 में बेकन की शादी हो गई और इनकी पत्नी का नाम था एलिस बैरहम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन जून 1607 ही बिकेम सॉलिसिटर। दोस्तों सॉलिसिटर का मतलब होता है वकील। और इन 1613 बेकन बिकेम अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल का मतलब होता है दोस्तों महान्यायवादी। और इसके बाद 1618 में जेम्स फर्स्ट ने इनको लॉर्ड चांसलर बना दिया। और दोस्तों इसके बाद 9 अप्रैल 1626 को हाईगेट नाम की जगह पर बेकन की डेथ हो गई। हाईगेट दोस्तों इंग्लैंड में एक गांव है, वहां इनकी डेथ हो गई और इनको सेंट माइकल्स चर्च में दफनाया गया। दोस्तों ये जो चर्च था ये सेंट एबन्स में था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।